एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण का जाप करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ये सब आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए ऐसा करते हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते तो वो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो क्यों ना हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। फिर भगवान विष्णु एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर से एक सेठ बाहर आया और बोला, भाई क्या काम है? तो भगवान बोले, तुम्हारे नगर में मैं भगवान की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। फिर सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सब तैयारी करने लगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए। अब स्वयं भगवान ही कथा करने आए थे तो दूसरे और तीसरे दिन लोगों की भीड़ हो गई। भगवान भी ये देखकर बहुत खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। लक्ष्मी माता ने सोचा, क्यों ना चलकर देखा जाए। लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उस नगर में पहुंची। वहां एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी जरा पानी पिला दे। वो महिला बोली, माता मुझे प्रवचन में जाना है। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। वो महिला जाकर एक लोटा पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई। उसने सोचा, स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया? यह तो चमत्कारी माता जी हैं। अब वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको तो भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। उसने सोचा, खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वो महिला फिर प्रवचन में गई, लेकिन वहां जाकर आसपास की सभी औरतों को उसने ये बात बता दी। सभी महिलाएं उठकर अपने घर चली गई। अगले दिन से लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई हैं, वो जिसके घर दूध पीती हैं गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है, इसलिए लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। ये बात सुनते ही जिन सेठ जी ने कथा का आयोजन किया था वो भी उठ के वहाँ से खिसक गए और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथा कहने वाले को ठहराया है, तुम उसे यहाँ से जाने को कहोगे तभी मैं यहाँ आ सकती हूँ। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, अभी मैं उनकी व्यवस्था धर्मशाला के कमरे में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा कह के सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले, अपना बिस्तर बांधो, मैंने आपकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। तो वो महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो मुझे। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे यहाँ अपने किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोला, आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा,
यह कहकर नारायण भगवान ने वैकुंठ के लिए विदाई ले ली। अब प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वो माता जी सबके घर बारी बारी से आएं। लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं भी यहां से जा रही हूं। सभी को हैरानी हुई। माता ने कहा, मैं वही रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है। आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। यह कहकर वो भी वहाँ से चली गई। जहाँ परमात्मा का वास है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को कभी माया नहीं मिलती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।